हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का और सुबह का टाइम है। तो सुबह सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो है गर्म पानी पीना। तो एक गिलास गर्म पानी पी रही हूँ और आज आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आलस होता है ना, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। और आलस जो मनुष्य का जो शत्रु होता है, अगर आलस जरा सा भी करते हैं तो काम में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, घर का हो, बाहर का हो। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आप सुबह एक हाउसवाइफ आलस को दूर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ब्लॉग को और शेयर कीजिएगा। तो ये अभी दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी गली। तो यहाँ पे ना कुछ लेडीज़ इतनी जल्दी उठ जाती हैं ना कि मतलब मंदिर भी हो आती हैं जब तक मैं उठती हूँ बाहर। मतलब उठ तो मैं 4:30 बजे ही जाती हूँ, बट गेट तक मैं आती हूँ हमेशा 5 या 5:30 के करीब, क्योंकि गली में कोई नहीं होता तो मैं उससे पहले पानी का छिड़काव नहीं करती हूँ। तो कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती है ना कि सच में मंदिर जाना सुबह उठ जाती हैं, बहुत ही मतलब देखो अच्छा काम होता है मंदिर सुबह सुबह हाथ धोकर जाना। तो मैं मंदिर तो नहीं जाती हूँ, बट मैं अपना जो काम है अपना टाइम पर करती हूँ। और बच्चे चले गए हैं पेपर देने के लिए स्कूल, उसके बाद झाड़ू लगाई और चाय वगैरह पीकर मैं आ गई थी अपने थोड़े से गार्डन में। मतलब ये आगे का हमारा एरिया है गेट की तरफ फ्रंट का। तो यहाँ पर ना अपराजिता का जो मैंने पौधा लगाया था वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। इधर उधर जो उसकी बेल है ना वो बिखर रही थी, तो मैंने सबको एक डंडे में पहले तो बांध के सबको अच्छे से लपेट लिया, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना फिर एक जुगाड़ कर दिया कि रस्सी इस पाइप पे जो गैस का पाइप है इस पे, फिर जब बेल फैलेगी ना आगे बढ़ेगी तो इस पर ही जाती रहेगी। और अपराजिता में ना इतने अच्छे अच्छे पर्पल कलर के फूल आ गए हैं। और कहते हैं अपराजिता का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है और ये भगवान भोलेनाथ के बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं ये फूल। तो बस मैं यही अपना एक जुगाड़ कर रही थी। और दूसरा जो मैंने जेट प्लांट लगाया था तो उसके भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो उसको मैंने एक बैडमिंटन में जो मैंने आपको दिखाया होगा पहले व्लॉग में देखा होगा आपने, तो वो उसमें भी मैं थोड़ी सी ना रस्सी बांध रही थी कि जब ये ग्रो करेगा तो पूरे बैडमिंटन की एक शेप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ना मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, तो मतलब जब करती नहीं हूँ तो करती नहीं हूँ, जब करती हूँ ना तो बिल्कुल आलस को बिल्कुल अलग करके एकदम अपने काम पर लग जाती हूँ। और कभी जब आलस भी आता है ना तो जब ही मतलब मैं लेटती हूँ और आराम करती हूँ कि जब मेरा काम पूरा हो जाता है। और हम ही अगर आलस करेंगे तो घर परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे हम? उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उनके बहुत सारे ऐसे वो ध्यान रखना होता है, तो वो सब नहीं कर पाऊँगी मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मेरे गार्डन का काम था वो हो गया है और ये मेरे सारे फ्लावर्स हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आई थी किचन में और बच्चे जैसे आपको पता ही है कि जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम देके, 11:30 बजे तक आ जाते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ आलू बरी, मतलब एक साथ ही लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ करेले लिए थे 1/2 किलो, जो मैं छील कर रख दूँगी धूप में सुखाने के लिए। इनको नमक लगा, तो पहले ना मैं इनको धो लेती हूँ छीलने से पहले, और उसके बाद इनको छीलूँगी और फिर नमक लगा के रख दूँगी धूप में। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं करेले नहीं बनाऊँगी क्योंकि ट्यूसडे में लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं इसमें, तो फिर बनाने से फ़ायदा ही क्या। तो सोच रही हूँ कि अभी इसको बस छील के धूप लगा के ना इसमें जो इसका जो कड़वापन है वो हट जाएगा। बट कहते हैं कि मंगल में ना खाओगे लहसुन प्याज, तो मतलब बना तो सकती हूँ वरना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो देखूँगी, अगर शाम तक ख़राब नहीं हुए तो मतलब मैं नेक्स्ट डे बुधवार को बना लूँगी। और अगर मुझे लगा कि ये अभी बनाए नहीं ज़रूरी हैं तो मैं अभी शाम को मतलब रात का जो खाना बनेगा ना उससे पहले मैं बना लूँगी। तो करेले जो है मैं बहुत कम तेल में बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और बहुत ही मतलब करेले ऐसे होते हैं ना कि एक बार बनाओ और 5-6 दिन आराम से चल जाते हैं। इमरजेंसी में जैसे कभी कोई सब्ज़ी ना हो तो करेले से ही खाओ, लेकिन जब करेले और
पानी हाथ की नमक की रोटी होती है ना फ्रेंड्स, और छाय होती है और उस पर बहुत सारा घी लगा होता है रोटी पे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे जो काम है ना बिल्कुल भी, मतलब मुझे किसी भी काम में ज़्यादा इतना अलकस नहीं आता, बट ये है कि जब मैं लेट जाती हूँ सारा काम करके, तो उसके बाद मुझसे थोड़ी देर के लिए, जब क्योंकि मैं दोपहर में सोना मेरा बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि चाहे मुझे 10 मिनट की नींद ही चाहिए लेकिन मुझे दोपहर में नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम हाउसवाइफ ना, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो तो बहुत जल्दी उठती हैं, और फिर रात को मेरा मतलब 12 बजे से पहले तो सोना होता ही नहीं है, 12:30 तो मुझे बज ही जाते हैं आराम से, तो इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए ना मुझे दोपहर में थोड़ा सा सोना बहुत ज़रूरी बनता है, उसके बाद चाहे आप मुझसे कितना भी काम करवा लो, तो इसलिए ना मैं थोड़ी देर दोपहर में ज़रूर सोती हूँ। तो बस करेले तो मैं रखी आई थी धूप में सुखाने के लिए, और यहाँ पे जो गर्म पानी में मैंने बड़ी डाली थी ना, तो वो भी अच्छे से फूल गई हैं। थोड़ा सा मैं उसमें ठंडा पानी से मतलब धो लेती हूँ ताकि अच्छे से निचोड़ जाए, इतनी गर्म गर्म बड़ी ना निचोड़ने में थोड़ा हाथ जलते हैं, और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि जो मैं इनको ठंडा करने के लिए रख दूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने जो है कुकर रखा है, थोड़ा सा तेल डाला है, और बड़ी ना मैं ऐसी कुकर में ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर ना देखो बर्तन ज़्यादा होंगे तो मैं जैसे कढ़ाई में करूँगी तो 2 बर्तन हो जाएंगे, तो मैं एक ही बर्तन का यूज़ करके ना सब्जी तैयार कर देती हूँ। जब तक बड़ी अच्छे से फ्राई हो रही है कुकर में, तब तक कर लेते हैं आलू की चॉपिंग। तो आलू यहाँ पे छील रही थी, और आलू ये हैं चिप्सोना, जो कि बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, 1-2 सीटी में आराम से गल जाते हैं। तो यहाँ पे 4-5 आलू लूँगी, और भव्य और आराध्या कह रही थी कि अगर बड़ी आलू बनाओगे तो हमें चावल ज़रूर बनाना, लेकिन आज चावल बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी फ्रेंड। जब भी चावल बनाती हूँ ना, दाल चावल या राजमा चावल, तो ये क्या करती है ना, दाल चावल ही मतलब चावल ही खा लेती है, और रोटी वगैरह तो खाती ही नहीं है फिर। इसीलिए ना मैंने सोचा कि आज बिल्कुल भी चावल नहीं बनाऊंगी, जिसको खाना है रोटी पराठे खाओ, वरना तो चावल नहीं। तो इस तरीके से ना बच्चों की मतलब पेट नहीं भरता चावलों से, और फिर ना थोड़ी देर बाद ही मतलब कहने लग जाती है भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो उसके बाद मैंने इसमें फिर डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च को पीस कर, और नमक डाला है, फिर बाकी जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूंगी, और थोड़े ना स्पाइसी ही सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। वैसे ना आलू बड़ी से चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और ये देखिए मेरी सारी बड़ियाँ कुकर में ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और इनमें से थोड़ी बड़ी मैं रख लूँगी, भव्या को अच्छी लगती है नमक की ऐसे ही। और ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना 2-3 सीटी लगवाऊँगी, और ये बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बन जाएगी सब्जी। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी हो रही है ना, सच में वॉइस ओवर करने में ना बार बार मतलब एक तो पंखा बंद करके वॉइस ओवर करनी पड़ती है, और एसी मेरा हो गया है ख़राब, तो एसी के बिना मतलब पहले क्या होता था ना, मैं किचन से काम करके आती थी तो तुरंत एसी चला लेती थी, बट अभी एसी ख़राब है तो बहुत ही और भी ज़्यादा मतलब, जब से एसी ख़राब हुआ है ना फ्रेंड, जब से इतनी गर्मी हो रही है कि भगवान भी हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि कितनी गर्मी सहन कर सकती हैं। तो इसलिए ना मेरा काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बट काम हमें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ का ना घर के कामों के बिना ना गुजारा भी नहीं चलता है। क्योंकि आप चाहे कितने भी बीमार हो, कितने भी आप परेशान हो, लेकिन बच्चों के लिए परिवार के लिए आपको उठना ही पड़ेगा काम करने के लिए अपना। तो यहाँ पर बस हस्बैंड जी की थाली लगा दी है मैंने, दही है, और देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी, सच में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी, और आलू बड़ी की सब्जी है और चपाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनको मैं देकर आ रही हूँ खाना, ये अपने रूम में बैठे हुए हैं। तो एसी की ना अब कदर बहुत ही ज़्यादा पता चल रही है, और पता नहीं कब तक सही हुआ, क्योंकि इसका जो कार्ड है ना वो अभी मिल नहीं रहा है हमें। और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैंने सोचा की ना सब्जी तो रखी है आलू बड़ी की, और थोड़े से ना करेले बना लेती हूँ, बेशक हम चाहे अगले दिन ही खाएं लेकिन बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो करेले हैं वो उसके जो छिलके हैं ना वो भी मैं प्याज में पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं करने लगी थी बर्तन साफ, तो साथ साथ मेरे जो करेले हैं वो भी पक जाएंगे, इतनी देर में मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, और बच्चों के लिए फिर पराठे वगैरह बना के रख दूँगी, मम्मी जी को भी दे दूँगी खाना,
और ये तो आलू भरी से नहीं खाएंगे, बोल रहे थे रात में ना कुछ हल्का बना लेना, तो इनके लिए बनाऊंगी मूंग दाल की खिचड़ी। तो इस तरीके से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ आलस को दूर करके, क्योंकि मुझे पता है कि आलस जो है हमारा दुश्मन है, शत्रु है। आलस का क्या है कि आलस आपको थोड़ी देर आएगा, शाम के 6:30 बज चुके हैं, 7:15। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करके फिर मैं बनाऊंगी रात का खाना। और आज रात के खाने में गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे। और ये ना जो हमारा एसी है ना फ्रेंड्स, इसका जो कार्ड होता है वो एकदम फूक गया, क्योंकि जब बारिश हुई थी ना तो बारिश में कभी लाइट तेज आ रही है, कभी कम आ रही है, तो इस वजह से ये फूक गया है। और अब इसका जो ओरिजिनल वाला होता है वो मिल नहीं रहा है, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, पंखे में सोना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक ये होता है ना कि वैसे तो मतलब मैं दूसरे कमरे में जाके सो सकती हूँ, कूलर लगा हुआ है और भी कमरों में, लेकिन अपने कमरे में सोने में और अपने कमरे में रिलैक्स करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, मुझे अपने कमरे में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इनको भी यहीं ज़्यादा अच्छा लगता है अपने कमरे में ही। तो फ्रेंड्स अभी बस पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना रात का, और रात के खाने में बनाऊंगी मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि ये कह के गए थे। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, शाम की पूजा। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि जो आलस होता है वो है हमारा शत्रु, और कई बार जो हमारे काम है वो होने नहीं देता है आलस। तो आलस का क्या है कि जरा सी देर आलस आएगा और आपके काम सारे छूट जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं जब भी अपना काम करती हूँ कभी भी मैं आलस नहीं करती हूँ, बहुत कम होता है कि आलस आता है तभी मेरे काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, और टमाटर और मटर चावल इन सब को मैंने धो लिया था, टमाटर डाल दिए हैं थोड़े से, और इसके बाद मैंने अच्छे से नमक डाल के हल्दी डाल के कुकर को बंद कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।